वो जो मॉल में सेल्स गर्ल थी, उसने हमें कपल समझ के जो कॉम्प्लीमेंट दिया तो बहुत बुरा लगा ना। ऐसी तो कोई बात नहीं, हो सकता है उसको ऐसा लगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग अपने कस्टमर्स को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। नहीं, मैं सोच रहा था कि शायद मुझे तुम्हारे साथ नहीं वहां जाना चाहिए था। इस बात का क्या मतलब है? मेरा मतलब है, ना मैं होता, ना वो देखती, ना वो कॉम्प्लीमेंट देती, और ना ही तुम्हें बुरा लगता। हम अपना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शायद नहीं, यकीनन नहीं कहना चाहिए। वैसे मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ तुम कुछ सोचो में गुम हो, पहले जैसे नहीं। तो प्रॉब्लम है तो बताओ, अगर दोस्त समझते हो तो उससे डिस्कस करो, हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो सकीना? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ बीबी जी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। सकीना जी, ये कमरा हर वक्त लॉक क्यों होता है? मुझे पता नहीं बीबी जी। क्यों, तुम सफाई नहीं करती इस कमरे की? साहब जी, इस कमरे में जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। एक दफा मैंने कहा भी कि मैं सफाई कर दूं, तो उन्होंने मुझे डांट दिया और कहने लगे ना तुम इस कमरे में जाओगी और ना किसी चीज को हाथ लगाओगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप ही सारे हैं यहाँ के एडमिन मैनेजर? जी, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? सुनिए, मुझे अपने किसी रिलेटिव को डॉक्टर कमाल यासदानी को दिखाना है, लेकिन मसले की बात यह है कि ये लोग कह रहे हैं कि 25 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा। मुझे बहुत जरूरी दिखाना है अपने पेशेंट को। आप बैठिए। थैंक यू। देखिए, डॉक्टर कमाल यासदानी को दिखाने के लिए इस तरह से तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता। प्लीज, अब आप ये मत कहिएगा कि नामुमकिन है, मुझे कल ही दिखाना है, मेरा पेशेंट बहुत सीरियस है। प्लीज, कल? कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि नामुमकिन है। आप प्लीज कोशिश तो करके देखें। Please. एक मिनट। वो डॉक्टर कमाल यासदानी के मेडिकल असिस्टेंट से पूछेगा कल की अपॉइंटमेंट मिल सकती है, एक पेशेंट को दिखाना है। जी, पूछ के मुझे बताइएगा। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आप उस वक्त अदा कीजिएगा जब आपको अपॉइंटमेंट वाकई मिल सके। मैं तो सिर्फ कोशिश करूँ। वैसे आप क्या करती हैं? मैं कुछ भी नहीं करती। हाउसवाइफ? हाउसवाइफ, सॉरी, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। उस्मा नाम है मेरा। उस्मा, आप एक मिनट। जी जी, अच्छा ठीक है, थैंक यू। आप मेन काउंटर पर चली जाएं और पेशेंट का नाम लिखवा दें और कल की अपॉइंटमेंट ले लें। थैंक यू सो मच। मैं कल कमाल यासदानी को दिखाने के बाद आपसे जरूर मिलने आऊंगी। आई होप यू डोंट माइंड। अरे नहीं, श्योर, एनी टाइम। थैंक यू, बाय।
सकीना जी बीबी जी, ये बॉक्स तुमने यहाँ रखे हैं, इसमें क्या है? नहीं बीबी जी, मैंने तो नहीं रखा। जारा बीबी, आज नासिर साहब बहुत देर तक इस कमरे में रहे, फिर बाहर आए, ये बॉक्स रखे और फिर कमरे में चले गए। मैंने तो नहीं देखा इसमें क्या है। तुमने अलमास की यादों को कमरे से बाहर क्यों निकाल दिया? मैं अलमास की यादों को रफ्ता रफ्ता मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम से मिटाना मुश्किल है। क्यों क्यों मिटाना चाहते हो उसकी यादों को? थक गया उनको संभाल संभाल के, यादों के सहारे और कितनी जिंदगी जीऊंगा। तुमने भी तो कहा है कि किसी और को जिंदगी में आने का मौका था। अच्छा, तो अब तुम यूं सोचने लगे हो? हाँ, सोचने लग गया, तुम्हारे कहने पे सोचने लग गया। तुम क्यों नहीं सोचती सारा? सब कुछ जानते हुए भी अनजान क्यों बनी हुई है? क्यों नहीं सोचती तुम? क्यों जारा, क्यों? कुछ अपने बारे में बताओ ना। तुम मैरिड हो? हाँ, मैरिड। और तुम? मैं अब मैरिड नहीं हूं। एक बार मैंने खुद तलाक ली और फिर मुझे उसकी सजा मिली, फिर दूसरी बार मेरे दूसरे शौहर ने मुझे खुद तलाक। तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हें सजा मिली? मेरी पहली शादी कुछ अरसा रही, वो मुझे बहुत बहुत प्यार करता था, बेपना चाहता था, इतना कि जितना एक लड़की ख्वाहिश करती है। कुछ अरसे के बाद मुझे पता चला कि वो तो कभी बाप ही नहीं बन सकता। और जानती हो, मुझे मां बनने का जुनून था, जुनून। फिर क्या हुआ? मैंने कह दिया उसे कि मुझे तलाक दे दो। बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया। अपनी मोहब्बत का मुझे बड़ा वास्ता दिया उसने कि मुझे ऐसा मत करो मेरे साथ, लेकिन अंधी हो गई थी। तुमने उससे तलाक लेके दूसरी शादी कर ली मां बनने की ख्वाहिश? हाँ, फिर मेरी दूसरी शादी हो गई और मैं उम्मीद से हो गई, मैं मां बनने वाली थी। लेकिन ऊपर वाला है ना कुदरत, उसने मुझे सजा तो देनी थी ना। मैंने ऐसे शख्स का दिल दुखाया जो मुझसे बेपना प्यार करता था। रोड एक्सीडेंट हो गया मेरा और मिसकैरेज हो गया। फिर क्या हुआ उसको? बहुत मुश्किल से जान बची मेरी।
लेकिन जानती हूँ मैं हमेशा के लिए बांझ हो गई। I'm sorry, तो अब तुम अपने पेरेंट्स के पास रहती हो? पेरेंट्स नहीं है, मेरा बस एक ही भाई है, वो यूएसए में रहता है। बस मेरी वही खाला जिनको मैं लेके आई थी ना हॉस्पिटल में, ये किसी खाला का सहारा है मुझे। और वो इतनी बीमार है कि मुझे हर वक्त डर ही लगा रहता है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अच्छा, रिलैक्स हो जाओ, घबराओ मत, वो सही हो जाएंगी। अब सारा, I'm sorry, मैंने शायद तुम्हें उदास कर दिया। अपने बारे में कुछ बताओ ना, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही है, तुम्हारे शौहर कैसे हैं? क्या करोगी, मेरा हाल जान। सॉरी। हेलो जी सर। जी जी मैं आ रहा हूँ। ओके, आई एम सॉरी, एसन साहब का फोन आया, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा वापस, कुछ काम है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जाओ, लेकिन मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगी। जरूर। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आजकल देर हो जाती है ना तुम्हें ऑफिस से आते आते? हाँ, आजकल काम बहुत ज्यादा होता है। पता है, मेरी एक नई दोस्त बनी, बहुत अच्छी है। आज उसने मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुनी, मैं तो हैरान ही रह गई। लोगों के दुख कितने बड़े हैं, खुशियों की तलाश में कैसे कैसे दुख झेलते हैं। ऐसा क्या बता दिया उसने तुम्हें, इतनी दुखी क्यों हो रही? वो अपने शौहर को बहुत चाहती थी, फिर कुछ अरसे के बाद पता चला कि वो बाप बनने की सलाहियत नहीं रखता और उसको मां बनने का जुनून था। कुछ अरसे के बाद उसने तलाक ले ली। फिर क्या हुआ? फिर उसने दूसरी शादी कर ली और कुछ अरसे के बाद एक हादसे में उसके शौहर का इंतकाल हो गया और उसको पता चला कि वो हमेशा के लिए बांझ हो गई। तुमने नाम क्या बताया था अपने दोस्त का? उस्मा। बहुत अफसोस हुआ सुन के तुम्हारी दोस्त के बारे में। ऐसा किस्मत की बात है। Yes. जारा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मसरूफ हो। I'm sorry. देखो तो सही, मैं मुंह उठा के तुम्हारे ऑफिस में चली आई, कितनी बुरी बात है ना। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रही होगी, है ना? और मेरा दिल कह रहा है कि तुम वाकई बुरा नहीं मान रही हो। ऐसा ही है ना? आपके दिल का अंदाजा बिल्कुल ठीक है, मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। गुड, थैंक यू। फिर तो मुझे कहना पड़ेगा कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, वाकई बहुत अच्छी हो। पता नहीं क्यों मेरे जहन में एक बात आ रही है कि वो कितना अच्छा होगा जो तुम्हारी लाइफ में,
वो किधर है? मेरा मतलब तुम्हारा हस्बैंड किधर है? वो नहीं है। I'm sorry, मुझे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मुल्क से बाहर रहते हैं अपनी दूसरी बीवी के साथ। दूसरी बीवी के साथ? तो तुम इसकी पहली बीवी हो? और अब वो भी नहीं रहूंगी। क्यों? कुछ अरसे के बाद हमारी डिवोर्स हो जाएगी। कुछ अरसे में तुम्हारी डिवोर्स हो जाएगी, सुन के बहुत अजीब सा लग रहा है। जैसे अरेंज मैरिज होती है ना, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी अरेंज डिवोर्स हो रही है। हाँ कुछ ऐसा ही है। सारा तुम्हें पता है, मैं समझती थी कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही दुखी हूँ, लेकिन सारा तुम्हारी कहानी तो वाकई बहुत बहुत सैड है। अच्छा तुम बताओ कि तुमने डिवोर्स ली तो क्या उसने दूसरी शादी कर ली? नहीं उसने नहीं की। इसका मतलब है वो तुमसे इतना प्यार करता है कि उसने किसी दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में आने भी नहीं दिया। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? शायद। मुझे नहीं ऐसा लगता, मुझे लगता है उसकी जिंदगी में कोई ना कोई आ गया होगा। सहरी सी बात है, बंदा उकता जाता है अपने अकेलेपन से, कब तक अकेला रहेगा? उसकी जिंदगी में जरूर कोई ना कोई होगा, आई एम श्योर। हो सकता है जो बातें तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल ना हो। देखो सारा, मैंने एक बात तय कर ली है, जब तक मुझे पूरा यकीन नहीं हो जाएगा कोई जिंदगी में कोई नहीं है मेरे अलावा, जब तक उसका सामना नहीं करूंगी, नेवर। तो तुम उससे पूछ लो। मेरा फोन। सॉरी। ओके। हेलो। हाँ नासिर। ज़ारा, तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए, एक काम करवाना है तुमसे। ऐसा कौन सा काम है जो मेरी हाथों कराना? ज़ारा, कुछ चीजें हैं मेरे पास, मैं चाह रहा था कि वो चीजें मैं तुम्हारे साथ जाके डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ। अकेले जाने की हिम्मत नहीं है एक्चुअली, तो सोचा तुमसे हेल्प मांग लूं। अच्छा अच्छा सुनो, घर पे आके जवाब दूंगी। ओके, खुदा हाफिज़। नासिर कौन है? मेरा दोस्त है, मैं इसके ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ। अच्छा, वही जो टेरेस के साथ जुड़ा हुआ कमरा है ना? तुम्हें कैसे पता? वही ना, ऐसा ही होता है यूजली डिफेंस में, जितने भी घर है वो सब ऐसे ही बने हुए हैं, टेरेस के साथ ही कमरा जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए ऐसे ही कह दिया। तो इत्तेफाक ऐसे ही है। एक काम करते हैं, कल लंच पे मिलते हैं, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अरे बातों बातों में मैं कॉफी का तो पूछना भूल ही गई, कॉफी पियोगी? नहीं थैंक यू सो मच, कल लंच में मिल रहे हैं ना तो कल कॉफी भी पी लेंगे। ओके मैं चलती हूँ, बाय। ओके बाय। ऐसा लगता है कि नासिर ज़ारा से बहुत करीब है, वो किसी काम को ज़ारा के हाथ से करवाना चाह रहा था। क्या नासिर कोई भी काम ज़ारा की मर्जी के बगैर नहीं करता? लेकिन ज़ारा तो मैरिड है, वो तो माँ बनने वाली है। नहीं नहीं नहीं, ज़ारा रहती ज़रूर है नासिर के घर में, मगर उसका नासिर से। वेल डन ज़ारा, मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमैन हूँ मैं, ये सब आपकी मेहनत है। सर मैं तो बस काम कर रही हूँ, थैंक यू, आपको मेरा काम पसंद आया। मेरे डॉक्टर का ईमेल आया है यूएसए से, उसने 3 महीने के लिए बुलाया है मुझे, कुछ टेस्ट है और फिजियोथेरेपी भी है, मैंने जवाब दे दिया। क्यों सर, आपको तो जाना चाहिए।
हॉस्पिटल को कौन देखेगा? सर मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। जरा आपको भी एक लंबी लीव चाहिए। नहीं नहीं सर, मैं सिर्फ 1 मंथ की ही लीव लूंगी। वैसे भी उसके बाद तो पे विदाउट लीव हो जाती है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती। अरे आप वो सब छोड़ दें, वो सब हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि मैंने यूएसए का प्रोग्राम क्यों डिले किया? जब तक आप वापस आ जाएंगी लीव से, सब कुछ वहीं संभालूंगा यार। सारा, फिर भी मुझे बताओ तो सही कि नासिर ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारे हाथ से करवाना चाहता है? ऐसी कोई अजीब सा काम है, छोड़ो ना उसको। नहीं, फिर भी मुझे बताओ तो सही क्या काम था वो? नासिर अपनी बीवी अलमास से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उसकी यादों से छुटकारा हासिल करना चाहता है। उसने अलमास के दिए हुए कार्ड्स, गिफ्ट्स, बहुत सारी चीजें खूबसूरत से बॉक्स में संभाल कर रखी हुई है। अच्छा, फिर इस बॉक्स का क्या किया? मुझे समंदर ले गया और कहने लगा कि अपने हाथों से इस बॉक्स को समंदर में बहा दो। क्यों? तुमसे क्यों कहा ऐसा करने को? मेरा मतलब है, वैसा खुद भी तो कर सकता था ना। वो मुझे एहसास दिलाना चाहता था कि उसने अलमास की यादों से अलहदा होने का फैसला कर लिया। अच्छा, तो ये बात तुम्हें बताना क्यों जरूरी समझा उसने? क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा। मुझे यकीन दिलाना चाहता था कि वो अलमास को भूलकर मुझे सोचने लगा। और तुम क्या सोचती हो उसके बारे में? नहीं नहीं मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। उस्मा, क्या हुआ, तुम रो रही हो? तुम्हें बुरा लगा ना कि नासिर ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, बस ऐसे यहां से निकल आए। नासिर को बिल्कुल ऐसा ही बल्कि करना चाहिए था। आखिर कब तक वो मास की यादों को अपने साथ जोड़े रखता? ठीक किया उसने जो कुछ भी किया। नासिर ने तुम्हें बताया तो होगा कि वो लड़की उसको धोखा देकर गई, उससे ने उसका दिल दुखाया है ना? तो मुझे नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि इन दोनों में अलहदगी हो गई। खैर छोड़ो, खाना ऑर्डर करते हैं। सॉरी, एक्सक्यूज। हेलो। हाँ नासिर, तुम्हें मैंने बताया था ना, मेरी एक दोस्त बनी है उस्मा, उसके साथ लंच पे आई। अच्छा, कहाँ पर हो तुम लोग? हम यहाँ टर्किश डिलाइट्स पे। हाँ, तो मैं भी उससे बिल्कुल करीब में ही। एक काम करता हूँ, लंच तो मैंने कर लिया दोस्त के साथ, चाय तुम लोगों को करा। हाँ तो आ जाओ ना, मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगी उस्मा से। ओके, खुदा हाफिज़। जी यार, मुझे जाना है, कुछ फ्रेंड्स बैठे हैं यहाँ पे, तो आई हैव टू गो। हाय ज़ारा। हाय। यू आर लेट। एम आई? सुनो, वो तुम्हारी फ्रेंड उज़्मा कहाँ है? उसकी खाला बीमार है ना, तो वो उसने उनको मेडिसिन भी देनी थी, खाना भी देना था, इसलिए चली गई। अच्छा चलो यार, चाय तो पिला दो तुम उसमें मुझे। एक्सक्यूज मी।
सकीना मेरे लिए जल्दी से नाश्ता तो बना दो। जी वो नासिर साहब है? आज तो वो जल्दी चले गए, कह रहे थे कि ऑफिस में कोई मीटिंग है। अच्छा नाश्ता देती हूँ आपको। उस्मा की तस्वीर, ये अलमास की तस्वीर है। उस्मा अलमास की हम शक्ल बहन है, मगर वो तो कहती है कि उसका सिर्फ एक भाई है। उस्मा का मुझसे इस तरह दोस्ती बढ़ाना, फिर अपनी जिंदगी के मामलात को बताकर मेरी जिंदगी के हालात पूछना, नासिर के आने पर डिनर से यूं उठकर चली गई। साफ जाहिर होता है कि वो नासिर के आने से पहले वहां से जाना चाहती थी। फिर ये सब क्या है? इतनी सारी बातें इत्तफाकन नहीं हो सकती, कोई तो रब्ता है इन बातों में। कौन? जारा, उफ, तुम भी ना। लंच टाइम शुरू हुए पूरे 2 मिनट गुजर चुके हैं और तुम अभी तक काम कर रही हो। देखो ऐसे टाइम पे तुम्हारे जमाल साहब को भी रोब नहीं चलेगा। बंद करो अपना काम अब। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? तुम इतनी प्यारी हो। अच्छा ये बताओ कि कल मेरे जाने के बाद नासिर आए थे क्या? पूछ रहा था कि तुम्हारी दोस्त कहाँ है। तुम तो कह देती ना मेरी तरफ से सॉरी। कितनी बुरी बात है, क्या सोच रहे हो? कह दिया था। फिर तुम दोनों साथ चले गए होगे, है ना? हम लोग अक्सर साथ ही जाते हैं। नासिर तुम्हारे बारे में बहुत केयरिंग है ना? बहुत अच्छा इंसान है वो। तुम किसी दिन फ्री हो तो घर पे आओ ना, तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगी नासिर से। बल्कि अभी कमिंग संडे को आ जाओ। पता मैं जरूर आती हूँ। तुम जानती हो ना कि खाला की तबीयत कितनी खराब है। उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं जरूर आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। मुझे आना है, मिलना है नासिर से। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम लियो हो। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है। मैं लियो नहीं हूँ, मैं स्कॉर्पियो। तुम जानते हो जो स्कॉर्पियो होते हैं बहुत डिफरेंट होते हैं। उनके बड़े मूड स्विंग्स होते हैं और मैं तो बहुत ही बड़ी मोटी हूँ, इमोशनल भी बहुत हूँ। हंसते हंसते रो पड़ती हूँ, रोते रोते हंस पड़ती हूँ। सेंसिटिव भी बहुत हूँ मैं, क्या करूँ, स्कॉर्पियो होते ही ऐसे। मेरे बारे में सब पूछ लिया तुमने, अपना स्टार बताओ। क्या सोच रही हो तुम? एक और काम मिल गया और लगता है कुदरत ने वो मेरे ही हाथों करवाना। ऐसा कौन सा काम है मुझे भी बता। बताऊंगी। वीकेंड आ रहा है, खाना साथ खाते हैं। चलो ठीक है, मुझे तुमसे वाकई बात करना, तुम्हारे साथ खाना खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अब तो कल हम लंच और डिनर जो भी करेंगे सिर्फ मैं और तुम ही होंगे, और कोई भी नहीं होगा, ठीक है? डन, ठीक है, सिर्फ तुम और मैं, उस्मा एंड सारा ओनली, ठीक है? ये जो तुम्हारे खूबसूरत शिकवे हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब तुम बार बार अगर मिलोगी तो फिर शिकवा तो नहीं कर सकोगी ना? सुनो जारा, मैं सियालकोट के शहर में रहती हूँ, कोई पेंडू नहीं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो, घर में सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, घर वाले भी ठीक है। तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हाँ क्या? मेरी अम्मी के दिमाग की असेंबली में मेरी शादी की तारीख जोर पकड़ गई है। वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आवाम की क्या राय है? आवाम तो हमेशा खामोश रहती है। तुम बताओ क्या हो रहा है? एक नया काम मिला। अच्छा वो क्या? नासिर को उसकी अलमास से वापस मिलवाने का। सारा ये कैसा औखा काम तुमने पकड़ लिया? अलमास को कहाँ से लेकर आओगी? खुद चल कर आई है वो, लेकिन खुद को अलमास नहीं जाहिर कर रही, उज्मा बनी हुई है। तो वो ऐसा क्यों कह रही है? वो इसलिए ऐसा कर रही है, एक तो वो ये जानना चाहती है कि मेरा और नासिर का आपस में क्या रिलेशनशिप है, दूसरा वो ये सोच रही है कि जब तक नासिर के दिल में अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं ढूंढती ना, खुद को जाहिर नहीं करेगी। मतलब ये कि उसको ये नहीं पता कि तुम्हें ये पता कि वो अलमास है। हाँ, और मैं बताऊंगी भी नहीं। मतलब ये कि जारा ये जानती है कि वो अलमास है और अलमास ये जानती है कि तुम जारा हो। हाँ। और तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर जाहिर नहीं होने दे रहे। राइट। वाह जारा, तुम तो शर्लॉक होम बने हुई हो। एक बात बताऊं यार, मैं तो ये सोच रही थी कि तुम नासिर से शादी करो, बीच में अलमास कहां से आ गई है? पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो मेरी क्या सोच है। चलो इस जासूसी का जो भी अंजाम हो मुझे जरूर बता। जाहिर है तो मैं तो बताऊंगी, कोई बात तुमसे छुपी रही है क्या? हाँ ये। अच्छा ये तो बताओ, कौन खुश नसीब है वो जिससे आपकी शादी होने वाली है? एक सच्ची बात बताऊं, मैंने तो अभी तक उसे देखा भी नहीं है, अम्मी से बात चल रही है। वाकई? हाँ ना। तो फोन पे तो बात करो ना। अच्छा भाई जब कर लूंगी सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। ठीक है। सारी गलती अलमास की है, उसे अपने किए का पछतावा है, दूसरी जानेब उसकी अना भी है। मगर उस पागल लड़की को अंदाजा नहीं है कि शायद नासिर को उसके पछताने पर इसलिए रहम नहीं आएगा क्योंकि वो सोचेगा कि अब अलमास उसके पास इसलिए आई है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, शायद इसलिए वापस लौट आए। अलमास एक कमजोर लड़की, वो कहाँ जाएगी? अलमास नासिर की जिंदगी में आएगी तो नासिर इस ख्याल से दूर हो जाएगा कि वो मेरे लिए सोचता है। मुझे इन दोनों की मदद करना है।